एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो आज मैं जो लेके आई हूँ वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी ट्रायंगल शॉल की डिज़ाइन बताने के लिए, तो आज मैं एक डिज़ाइन आपके लिए लेके आई हूँ। आने वाले कुछ वीडियोस में आपको कुछ और डिज़ाइंस, अच्छी अच्छी डिज़ाइंस मिलेंगे जिसे आप ट्रायंगल शॉल बना सकते हैं। ट्रायंगल शॉल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस समय, तो इसे अभी से बनाना स्टार्ट करेंगे तो ठंड तक बन ही जाएगी। मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगी वो ये शंख पैटर्न पे बनी हुई डिज़ाइन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और खिल के पैटर्न आता है। ये आप किसी भी कलर में बनाइए, रेड में बनाइए, वाइट, ब्लैक, येलो, किसी भी कलर में आप इसे बनाइए, ये बहुत खिल के आता है और जल्दी भी बन के रेडी हो जाता है। बहुत इजी डिज़ाइन है, सो अगर आप एक बिगनर भी हैं तो भी इसे आसानी से बना लेंगे। बनाऊंगी मैं इसे 3.5 mm की क्रोशिया हुक से। मेरी ऊन जो है वो 3-ply की वूल है ये, तो मैंने इसमें 3.5 mm की क्रोशिया हुक लगाई है। शॉल में थोड़ी मोटी क्रोशिया हुक अगर लगेगी तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप इसे 8 नंबर की क्रोशिया हुक से, अगर 3-ply की ऊल है तो आप 8 नंबर की क्रोशिया हुक या फिर 9 नंबर की क्रोशिया हुक से बनाएं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी 8 नंबर की क्रोशिया हुक, उससे बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा पैटर्न बन के रेडी होगा। और शॉल के लिए आप जितनी पतली ऊन ले सकते हैं उतनी पतली ऊन लीजिए। मेरी ऊल 3-ply है, आप चाहें तो 4-ply ऊल ले सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा पतली एक ऊन आती है, वो भी अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे शॉल बहुत ही अच्छी बन के रेडी होगी, बट उसके लिए आपको 10 नंबर की क्रोशिया हुक लेनी होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शॉल कैसी लगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी 3-ply की वूल से और 3 mm का क्रोशिया हुक। तो आप 10 नंबर की क्रोशिया हुक से या 9 नंबर की क्रोशिया हुक से भी इसे बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें बना लेंगे चेन, 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 चेन बना के जो फर्स्ट नंबर वाली चेन है इसमें स्लिप स्टिच से अपने वर्क को ऐड कर देंगे इस तरह से, 1, 2, 3 तीन चेन बना के सेम इसी होल से डालेंगे और पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे और ये हो गई दूसरी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन फिर से इसी होल से डालेंगे और 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 फिर से 2 चेन सेम होल से डालेंगे और 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। सेकेंड रो के लिए अब यहाँ पे बनाएंगे 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 और ये देखिएगा 2 सेट इसमें बनेंगे। ये पहला सेट है जहाँ 2 चेन का स्पेस दिया है, इसमें क्रोशिया हुक को डालना है तो इस पहले सेट में हमें बना लेना है 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन सेम इसी प्लेस से डाल के 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। अब बनाएंगे 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट वाला जो 2 चेन का स्पेस है इसमें डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन सेम प्लेस से डाल के 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। ओके, तो जब एक राउंड से मींस एक रो से दूसरी रो की तरफ टर्न करेंगे तो पहले 5 चेन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमें हर तरफ करना है, तो ये लास्ट में जो आपका ये वाला जो पैटर्न ये बनेगा ये बहुत ही खूबसूरत सा लुक देता है देखने पे। जब आप पूरा शॉल बना लेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। यहाँ पे फिर से डालेंगे और ये जो पैटर्न बन रहा है 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया का दोनों साइड बना हुआ है। देखिए एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो इन में हमेशा 2 डबल क्रोशिया ही बनेगी इस 2 चेन के स्पेस में, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन सेम इसी जगह से डाल के 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। देखिए नेक्स्ट पैटर्न पे भी 2 डबल क्रोशिया, तो बॉर्डर के ऊपर मैंने सेम बॉर्डर ही बना लिया है और अब 2 चेन
और दो चेन बना के यहाँ जो ये देखिए पांच चेन बनी हुई है, इसमें बीच वाला जो थर्ड नंबर चेन है इसमें डालना है और एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब बनानी है पांच चेन, 1 2 3 4 5। तो ये हमारी बीच की नई डिज़ाइन है और फिर से सेम इसी प्लेस से थर्ड नंबर चेन से ही डालेंगे और एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे एक ये देखिए ट्रायंगल बन के रेडी हुआ। अगेन दो चेन, ये जो बॉर्डर है दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया का ये सेम ही रहेगा। दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया, फिर से पांच चेन, 1 2 3 4 5। पांच चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, बॉर्डर बॉर्डर के जैसे ही बनेगा। दो डबल क्रोशिया, दो चेन और एक दो, दो डबल क्रोशिया, अगेन दो चेन। और अब ये जो बीच में हमारा ट्रायंगल बन के रेडी हुआ है इसे हमें फिल करना है डबल क्रोशिया से। तो टोटल 7 डबल क्रोशिया बनानी है। पहली डबल क्रोशिया जस्ट ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर बनाएंगे, एक हो गई। पांच डबल क्रोशिया हमें इस पांच चेन के स्पेस में बनानी है, 1 2 3 4 5, 6 हो गई टोटल, 5 और 1 हमने यहां बनाई थी और सातवीं वाली जस्ट इधर वाली डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे। तो ये देखिए ये बीच में टोटल 7 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गए। अगेन इस साइड भी दो चेन बना लेंगे जैसे इस साइड बनाई थी, और ये जो पैटर्न है दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया वाला, ये सेम ही रहेगा। दो डबल क्रोशिया, दो चेन सेम इसी प्लेस से डालेंगे और दो डबल क्रोशिया, 1 2, फिर से यहाँ पे पांच चेन, 1 2 3 4 5। तो जब भी वर्क को टर्न करना होगा जिस साइड भी, उस साइड आपको पांच चेन बना के ही इसे टर्न करना है। ये देखिए ये है इस तरीके का पैटर्न। पांच चेन बनाने के बाद टर्न करके अगेन दो डबल क्रोशिया, बॉर्डर बॉर्डर की जैसे ही बनेगा, दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर से दो चेन, 1 और 2। और अब यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनी है तो सातों पे एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। जस्ट इसी के ऊपर वाली डबल क्रोशिया में लेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, थर्ड में एक डबल क्रोशिया, एक चेन। तो सब में इसी तरह से 7 बनी है तो सातों में एक डबल क्रोशिया और एक चेन बनाते हुए एंड पर आना है। ये देखिए, ओके, एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनाते हुए एंड पे आ गए हैं। और अब अगेन यहाँ पे बनानी है हमें दो चेन, बॉर्डर बॉर्डर के जैसे ही बनेगा, दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। एक और दो, अगेन पांच चेन, 1 2 3 4 5 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। फिर से बॉर्डर बॉर्डर के जैसे ही बनेगा, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया। बनाएंगे यहां पांच चेन, 1 2 3 4 5। पांच चेन इसलिए बना रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट राउंड में नई डिजाइन स्टार्ट कर सकें, क्योंकि इसमें देखिएगा ट्रायंगल जो होता है बीच वाली जो डिजाइन है वो बढ़ती जाती है। पहले एक बनेगी, फिर दो बनेगी, फिर तीन, फिर चार, तो इस तरह से बनती है। तो यहां पे मैंने बना लिया है। और अब ये जो डबल क्रोशिया बनी हुई है इन दोनों के फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्रोशिया हुक को डालना है और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। एक चेन,
दूसरे तीसरे के बीच में क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन तीसरे और चौथे के बीच में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, उसके बाद फिर से एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया, एंड तक ऐसे ही किया। फिर से इधर भी पांच चेन, एक दो तीन चार पांच, पांच चेन बना के ये जो बॉर्डर है इसे ऐसे ही बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया बनाते हुए वर्क को टर्न करेंगे, पांच चेन बना, पांच चेन बना के अगेन बॉर्डर के ऊपर मैंने बॉर्डर बना लिया है। फिर से यहाँ दो चेन बनाएंगे इस साइड पे, और अब ये देखिए जो नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे जब हमने पांच चेन बनाई थी इस जगह पे, जब सबसे नीचे देखिएगा पांच चेन बनाई थी, तो अब इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। ये जो पांच चेन बनी है अब ये दो बार बनी है, एक इधर बनी है और एक इधर बनी है, ये जो स्टेप होंगे वो सेम ही होंगे। तो दो चेन बना के अब यहाँ पे एक दो तीन जो थर्ड नंबर वाली चेन है इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पांच चेन अगेन इसी स्पेस से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया। तो सेम जैसे नीचे हमने इस जगह पे ट्रायंगल बनाया था, यहाँ भी एक ट्रायंगल बना के रेडी कर लिया। एक दो, दो चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है पहली और दूसरी सिंगल क्रोशिया के बीच में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन दूसरी और तीसरी के बीच में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन तीसरी और चौथी के बीच में, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन चौथी और पांचवी के बीच में, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन पांचवी और छठी के बीच में, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन। तो एक दो तीन चार पांच टोटल यहाँ पे बन के रेडी हो गई, एक दो तीन चार पांच, अगेन दो चेन बीच वाली थर्ड नंबर वाली चेन में डालेंगे और एक भी इधर भी बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, पांच चेन सेम इसी स्पेस से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर से दो चेन और जो बॉर्डर है इसके ऊपर बॉर्डर ही बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया का, और फिर से पांच चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा, ये एक पैटर्न बन रहा है और इसी की तरफ इधर और इधर दो अलग अलग पैटर्न स्टार्ट हो गए हैं। तो बना के वर्क को टर्न करें, ये देखिए पांच चेन बना के वर्क को टर्न कर लिया है, और अब एक और दो, दो चेन सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे सात डबल क्रोशिया से फिल किया था इसमें भी फिल करना है, अगर आप चाहें तो नौ डबल क्रोशिया से भी फिल कर सकते हैं। एक इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर पांच, बीच की चेन स्पेस में, एक दो तीन चार पांच, और एक बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर से दो चेन, अगेन पहली और दूसरी डबल क्रोशिया के बीच में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन दूसरी और तीसरी के बीच में, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, दो चेन अगेन इस साइड पे, और इधर वाला ट्रायंगल भी सेम ही पैटर्न पे फिल करेंगे, एक डबल क्रोशिया, पांच चेन के स्पेस में पांच डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पांच, और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस इधर वाली डबल क्रोशिया के ऊपर। ओके, फिर से दो चेन, बॉर्डर है दो डबल क्रोशिया वाला तो बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर ही बनाएंगे, पांच चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और फिर से बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। एक पैटर्न इधर बन रहा है, एक पैटर्न इधर बन रहा है, बीच का पैटर्न हमारा कंप्लीट होने वाला है। बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना लिया और दो चेन बनाएंगे, और अब जैसे यहाँ पे देखिए एक एक चेन छोड़ के जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया था, ये वाली रो बनाई थी, सेम उसी इस पे भी ऐसे ही करना है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है सबके ऊपर एक डबल क्रोशिया और एक चेन बनानी है, सात है तो सातों के ऊपर ऐसे ही करेंगे। एक चेन,
एक डबल क्रोशिया, एक चेन, अगेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पे बनाएंगे एक और दो, दो चेन। और अब यहाँ पे देखिएगा चार हमारे पास सिंगल क्रोशिया हैं, तो सबसे बीच में दो इधर छोड़ेंगे, दो इधर छोड़ेंगे और बीचों बीच डाल के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से दो चेन और दो चेन बना के इधर वाली जो सात डबल क्रोशिया है उन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, सातों के ऊपर ऐसे ही बनाएंगे। दो चेन बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे, फिर से पांच चेन बना के बॉर्डर को टर्न करेंगे। तो ये देखिए ये डिजाइन हमारी कुछ इस तरह से बन के रेडी हो रही है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना के टर्न करके फिर से बॉर्डर बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना लिया। अगेन अब क्या करना है, इस राउंड के बाद अब सिंगल क्रोशिया वाला राउंड स्टार्ट है, तो फिर से वैसे ही बनाएंगे यहाँ पे। अब जब सिंगल क्रोशिया वाला राउंड बनाते हैं तो देखिएगा पांच चेन का स्पेस देते हैं, तो एक दो तीन चार पांच, पांच चेन हमने बना ली। अब फिर से एक नए डिजाइन के लिए अगेन डबल क्रोशिया के बीच में डालेंगे दो के और एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक एक चेन बनाते हुए एंड पर आएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया के बीच में डालना है, जैसे इस जगह पे बनाया था सेम वैसे ही यहाँ भी बनाना है। और अब यहाँ पे हमारे पास तीन डिजाइन हो जाएंगी और देखिएगा कैसे होंगी। कॉर्नर पे आपको एक डिजाइन बनानी ही बनानी है हर बार। ये देखिए यहाँ पे एक नई डिजाइन स्टार्ट हो गई, जैसे हमने एक इधर बनाया था, पहले एक बनी थी और उसके बाद फिर हमने एक कॉर्नर पे ये डिजाइन बनाई है, एक कॉर्नर पे ये डिजाइन बनाई है, और बनाई हमने तब जब हमने सिंगल क्रोशिया वाली रो स्टार्ट की। सेम वैसे ही हमने यहाँ किया, यहाँ से सिंगल क्रोशिया वाली रो स्टार्ट है, तो यहाँ पे पांच चेन बना ली। और अब यहाँ पे एक और दो, ये जो दो डिजाइन्स हैं इन डिजाइन्स के बीच में भी एक डिजाइन बनेगी, क्योंकि अब यहाँ पे तीन डिजाइन हो जाएंगी, पहले एक थी फिर दो हुई, अब एक बीच में भी बनेगी तो तीन हो जाएंगी। तो बीच में बनाने के लिए भी अब हमें पांच चेन का स्पेस देना है, एक दो तीन चार पांच। सेम वैसे ही जो दो दो डबल क्रोशिया है उससे बनाते हुए एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एंड पे आएंगे। ओके फिर से पांच चेन, एक दो तीन चार पांच, क्योंकि इस साइड में भी हमें एक डिजाइन बनानी है। और अब यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे, पांच चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और फिर से बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना लिया। अब इधर एक पांच चेन यहाँ बनी है, एक पांच चेन बीच में बनी है, एक पांच चेन इधर, टोटल तीन बार बन गई। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे ये बढ़ती जाएंगी पैटर्न्स, तो फिर से दो चेन बना के स्टार्ट करेंगे, जो पहली पांच चेन है उसके बीच में डालेंगे, थर्ड नंबर वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच चेन बनाएंगे क्योंकि वी बनाते समय पांच चेन का स्पेस देते हैं। सेम इसी स्पेस से फिर से डाल के एक डबल क्रोशिया, अगेन दो चेन, ये जो सिंगल क्रोशिया है दो सिंगल क्रोशिया के बीच में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया की टोटल हमारे पास एक दो तीन और चार रो बनी है, ठीक है। पहली बार बनी है, फिर दूसरी कम हुई है, फिर तीसरे में कम हुई है, चौथे में बिल्कुल एक हो गई है। एक दो, दो चेन बनाएंगे, अगेन ये जो बीच वाला है थर्ड नंबर चेन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया, पांच चेन, सेम इसी जगह से फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से दो चेन। तो बस इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है और जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे ये ऐसे सेम ऐसे ही बढ़ता जाएगा। फिर से दो सिंगल क्रोशिया के बीच में डालेंगे और एक एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन बनाते हुए एंड पे आएंगे।
अगेन दो चेन बनाएंगे। अब यहाँ पांच चेन बनी हुई है तो एक पैटर्न इस जगह पे भी बना लेना है, जस्ट बीच वाली में डालना है, थर्ड नंबर वाली में। एक डबल क्रोशिया, पांच चेन, सेम इसी जगह से फिर से क्रोशिया हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन और अब बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर। तो बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे, पांच चेन बना के वर्क को टर्न करके फिर से बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए, अब आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे डिजाइन बनेगी। एक पैटर्न देखिए यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। बनाना सेम वैसे ही है, दो चेन और अब इस वी को फिल करना है हमें सात डबल क्रोशिया से। तो एक पहले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, पांच बनाएंगे पांच चेन के स्पेस में, और अगर आप फ्रेंड्स इसे चाहें तो नौ डबल क्रोशिया से भी कर सकते हैं, नौ डबल क्रोशिया से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पांच डबल क्रोशिया और एक जस्ट इसके ऊपर बना लेंगे। फिर से इधर भी दो चेन बनाएंगे और अगेन सिंगल क्रोशिया वाला प्रोसेस करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया, एक दो, दो चेन बनाएंगे, दूसरे वाले को फिल करेंगे, इसे भी सेम वैसे ही फिल करेंगे जैसे इसे फिल किया है, और इसमें भी सिंगल क्रोशिया सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे इसमें किया है और फिर इसको फिल करेंगे। तो पूरे रो को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो ये देखिए सेम वैसे ही मैंने इसे भी फिल कर लिया, इसे भी फिल कर लिया, तीनों को वैसे ही फिल कर लिया है। और फिल करने के बाद अगेन न्यू रो पे आ गई हूँ। नए रो में अगेन सेम वैसे ही आपको करना है, एक दो, दो चेन बनानी है और ये जो सात डबल क्रोशिया है इसे एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनानी है, एक चेन का स्पेस देते हुए। सात डबल क्रोशिया है, सातों में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, अब एक दो, दो चेन और चार हैं तो चार के बीच में डालेंगे और यहाँ पे दो चेन बना लेंगे और फिर से एक एक डबल क्रोशिया और एक चेन बनाते हुए एंड पे आएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन। तो ये देखिए ये डिज़ाइन भी हमारी ओवर हो गई, जैसे पहली ओवर हुई वैसे दूसरी ओवर हो गई। यहाँ पे तीन डिज़ाइंस हैं, अब इसे भी पूरा ऐसे बना के इसे ओवर करेंगे, इसमें भी सेम बनाएंगे और बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने बना के रेडी किया। सो फ्रेंड्स अब इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की रोज स्टार्ट होंगी, सिंगल क्रोशिया की रोज जब भी स्टार्ट होगी तो उसमें पांच चेन का स्पेस देते हुए बनाना है, मीन्स नई डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। तो एक डिज़ाइन अब यहाँ स्टार्ट होगी पहली, दूसरी इन दोनों के बीच में स्टार्ट होगी, तीसरी इन दोनों के बीच में स्टार्ट होगी और चौथी साइड में स्टार्ट होगी। तो हर दो डिज़ाइन के बीच में भी एक डिज़ाइन स्टार्ट होगी। जैसे जैसे आपकी डिज़ाइंस बढ़ेंगी तो दो डिज़ाइन जो है उनके बीच में आपको एक डिज़ाइन स्टार्ट करनी है सिंगल क्रोशिया की रो स्टार्ट होने के साथ ही। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की रो बनेगी, यहाँ पे फिर पांच चेन बना के आपको इधर आना है, फिर सिंगल क्रोशिया की रो बना के पांच चेन बना के इधर आना है, फिर से लास्ट में पांच चेन बना के बॉर्डर बनाना है। जैसे मैंने दूसरे के बाद तीसरा स्टार्ट किया था सेम वैसे ही आपको अब तीन में के बाद चार स्टार्ट करने हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और सेम इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए आपको इसे बड़ा जितना भी बड़ा बनाना है उतना बड़ा बना सकते हैं। मैं इसमें कुछ और बना लेती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इसमें और ज़्यादा बनेगा और देखने में कैसा लगेगा। तो मैं बना के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने एक बार और बना लिया है और अब मेरे पास 1 2 3 4 5 पैटर्न्स बन के रेडी हुए हैं। तो सेम ऐसे ही आपको इसे बढ़ाते जाना है, आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा शॉल बना सकते हैं। और पूरे शॉल बनने के बाद आपको इस वाले कॉर्नर पे जो यहाँ से शुरू किया है यहाँ पे और जब जहाँ पे ख़त्म होगा इस जगह पे और इस जगह पे पॉम पॉम लटका लेने हैं ताकि आप उसको जब भी ओढ़े तो वो हल्का थोड़ा सा पॉम पॉम से भारीपन आता है और सेट भी बहुत कायदे से बहुत अच्छे से आपका शॉल हो सकता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।
मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।